गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं रात के 12 और आज मैं अपना ब्लॉग 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है भैया भाभी की एनिवर्सरी और ये रहा उसका सरप्राइज। सो लेट्स गो, देखते हैं उन लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है। हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary. Happy anniversary. Thank you very much. Happy anniversary. Pram pram. Thank you, thank you, thank you. We're back together. Tutu, utho. Ayan, utho. Aaj papa mummy ka shaadi hai, utho. Utho ki mujhe raat ko bhi masti hai. Isko bhi neend se jaga diye hum log. Are happy anniversary hai. Papa mummy ka shaadi hai. Utho, 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 shaadi hai. Utho, utho, utho. Shaadi ka gift hai aaj hi da. एनिवर्सरी किसी का गिफ्ट किसी को। बाय बालाजी। एनिवर्सरी टू यू, एनिवर्सरी टू यू, एनिवर्सरी टू यू। उसका आंख देखे ना, बड़ा बड़ा क्यों हुई है। यही है। थैंक यू वेरी मच। आपको भी दोनों को एक साथ भगवान करे आप लोग एकदम एकदम ऐसा साल बीते इस बार की सब साल से ज्यादा अच्छा बीते। आशीर्वाद जोड़ा 60 साल तक जोड़ा अजर अमर रहे, 100 साल तक भैया टॉर्चर होते रहे। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। केक छोटा पड़ गया। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 1:30 और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। सभी लोग सोने जा चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि भाभी लोग का भाभी का एनिवर्सरी मनाने के लिए मुझे उनके रूम नीचे जाना पड़ा, तो फिर मुझे आहाना को उठाना पड़ गया था। अब आहाना उठ गई तो उसे सुलाने में मुझे पूरे 1 घंटे लग गए। अब वो जब सो चुके हैं तब जाके मैंने अपना डिनर किया और अब सीधे आप लोग से मिलते हैं सुबह में। तब के लिए गुड नाइट। कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग गाइज। आप लोग कैसे हो? ये तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होगी और आप लोग की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी तो काफी लेट हो गया। एहान स्कूल से भी आ चुका है। आज ये बदमाशी भी नहीं किया है स्कूल जाने में। आज की तो तुम क्या हुआ था तो सर? मैं खाली 2 वर्ड बोला था कि मम्मा नहीं जाना। हाँ तो आयास बस 2 ही वर्ड बोला, आज नहीं जाना। फिर उसको याद आया। और जब मैं जाने वाला था ना उस समय दीदी आई थी। हाँ इसको अपनी दीदी से बहुत प्यार है, मतलब मेरी ननद। हम लोग अपने साइड में ननद, हाँ अपनी ननद को दीदी बोलते हैं। तो दीदी से इसे बहुत लगाव है, ये दीदी के साथ। और हाँ टप्पू और अंकु से बहुत इसे लगाव है। ये अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ खेलना बहुत पसंद करता है। तो गाइज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आज आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा, जो मुझे भी सरप्राइज मिलेगा, जो मुझे भी नहीं पता है कि आज हम लोगों को क्या सरप्राइज मिलने वाला है। सारे घर वाले मुझसे छिपा रहे हैं कि मुझे क्या सरप्राइज मिलने वाला है। लोग अभी तो फिलहाल मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। आयांश आ चुका है स्कूल से और मैं पूजा करके आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। ओके बाय। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30 और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं भाभी को लेके जाने वाली हूँ मार्केट उनका गिफ्ट खरीदाने के लिए। ये बात उनको नहीं पता है, तो चलिए उनको लेके चलते हैं मार्केट। देखते हैं भाभी क्या कर रही है। क्या कर रहा है आज? अकेले? मम्मी चलिए चलिए मार्केट मार्केट चलिए चलिए जल्दी। अरे 12 बज गया। चलो चलो एंस रेडी हो मार्केट जाएगा। हाँ ये भी जाएगा। तुम बाबू जाएगी? नहीं बाबू यहीं रहेगी। तुम एक काम करो, तुम बाबू के साथ यहीं रुक जाओ। हाँ अरे बाबू के साथ रुक जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? पापा है ना, पापा को ले जाएंगे, तुम बाबू के साथ यहीं रुकना। नहीं
क्यों आए तुम तो सुबह तुमको पापा कितना सारा चीज ला के दिए। अरे हम लोग को बहुत काम है मार्केट में, तुम बोर हो जाओगे। मैं ना तो चलूंगा। फिर हम लोग को तंग ना करोगे टॉय के लिए। कुछ टॉय ना मांगोगे? नो पक्का, इसको प्रॉमिस करवा लीजिए, फिर वहाँ जाके बोलेगा ये खरीद दीजिए। हम लोग मार्केट आ चुके हैं और श्रुति अभी बताई रास्ते पे कि मेरे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई है। पता भगवान करे इसको पसंद आ जाए मुझे, क्योंकि ये बेचारी परेशान हो जाती है मुझे गिफ्ट पर सेलेक्ट करवाने में। मुझे याद है ये लड़की गाय से डर गई और ये श्रुति बहुत भीड़ है गाइस, लगता है किसी की शादी हो रही है। ये काशा है, काशा से कितना बड़ा मंदिर है यहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं भीड़ बाजार यहाँ पे भाभी का गिफ्ट लेने के लिए, बस उनको कुछ पसंद आ जाए उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे। मार्केट का पूरा चक्कर लगा चुके हैं हम लोग, वहाँ कुछ पसंद नहीं आया। देख रहे हो ना मेरी सांसें फूल रही है। तो फाइनली मॉल में आए हैं, देखते हैं कुछ अच्छा लग जाए। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अब शॉपिंग करके। बहुत सारा चीज तो नहीं, पर थोड़ा बहुत चीज हम लोगों ने खरीदा है। और भाभी के लिए बहुत प्यारा सा ड्रेस मिल गया, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत प्यारा सा ड्रेस मिल गया है। तो वो ड्रेस दिखाइए सबसे पहले निकाल के। ये है भाभी का एनिवर्सरी गिफ्ट। तो ये कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। और भी बहुत कुछ खरीदा है हम लोगों ने, वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये भी श्रुति ने मुझे दिया है खूबसूरत सा टॉप, ये मैंने अपने आप को खरीद के दिया है। मेरा ही है तो अब हम लोग रेस्ट करने जा रहे हैं और खाना खा के हम लोग रेस्ट करेंगे। और रेस्ट में हम लोग सीधे अब मिलेंगे नाइट में। तो भी बज चुके हैं शाम के 8 और हम दोनों हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, लेकिन भाभी को ये नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उनके लिए ये है सरप्राइज। मैं एक्साइटेड हूँ सरप्राइज देखने के लिए। देखिए देखिए भाभी साड़ी पहनी है और बहुत ही प्रिटी लग रही है। हम भी प्रिटी लग रहे हैं, हम भी देख लो। और ये रही मेरी एंजल, इधर आइए इधर। हम लोग आ चुके हैं होटल में और ये रही भाभी। इसकी आंखें हम लोगों ने बंद कर दी है और इसके लिए सरप्राइज है। चलो चलो लेके आओ, बस इसको गिराना नहीं है। आराम से चलिएगा। रेडी, अब आ खोला जाए भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको कैसा लगा ये? एक नंबर, एक नंबर। आप लोग भी देख लो यहाँ का डेकोरेशन, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसको गाइस अभी सारे गेस्ट नहीं आए हैं और गेस्ट अभी आने वाले हैं। आप यहाँ का डेकोरेशन देखो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सारे लोग का स्टार्ट हो चुका है और श्रुति मजे के साथ एकदम, और सारे लोग बैठ चुके हैं। कैसा लग रहा है? बहुत। मम्मा कैसा लग रहा है? दीदी
लास्ट कस्टमर है जो सबसे लास्ट आया, इनके कारण हम लोग का सब कुछ लेट हुआ है। तो ये मुँह छिपाते हुए इंसान, ठीक है, तो ये इंसान के कारण हम लोग को काफ़ी लेट हुआ है, देखिए। और ये जो है इनका नाम है वो कटप्पा। तो गाइज हम लोग की पार्टी हो चुकी है, अब हम लोग घर को निकल रहे हैं। तो बहुत ही मस्ती की है हम लोग, बहुत मज़ा आया। और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा था और यहाँ के सारे मेम्बर्स जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। और हम लोग कैफे स्पाइस ने किए थे ये पार्टी। तो फिलहाल गाइज अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो हम लोग घर में मिलते हैं। और आज के ब्लॉग को हम लोग कर रहे हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोग को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।